थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं पिछले टॉपिक की. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट प्ले द सेम रोल एज द रोल प्लेड बाय द इनर्शिया इन लीनियर मोशन. इफ समथिंग इज डिफिकल्ट टू रोटेट इट मीन्स इट हैज हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट्स अ समेशन एम आई आर आई स्क्वायर. अगर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो वो डिफिकल्ट है रोटेट करना उसको. आपने नोटिस किया होगा कि कैट, जो एक कैट है वो बहुत हाइट से जंप कर लेती है और उसको फिर भी कुछ नहीं होता. तो उसका रीजन क्या है? जब वो जंप करती है मैकेनिकल कैट, वो अपनी जो लिम्स हैं, जो अपने लिम्स हैं एयर में सेंटर ऑफ एक्सिस से मैक्सिमम दूर कर देती है. अपने लिम्स मतलब अपना हेड, अपने फुट, टेल अप एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम दूर कर लेती है. जनरली कैट कैसी होती है? आप इधर कैट है तो इट्स लाइक दिस. तो उसमें उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास में है सब कुछ, पर जैसे ही उसने जंप किया एयर में आई तो उसका जो उसने अपने लिम्स को दूर कर लिया तो क्या हुआ? उससे आर ज्यादा हो गया. I इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर एम वन आर वन स्क्वायर. आर ज्यादा हो गया. आर ज्यादा होने से क्या हो गया? आई ज्यादा हो गया. आई ज्यादा होने से क्या हुआ? अब रोटेट के चांस नहीं है कैट के, रोटेट के चांस नहीं है. तो इसलिए कैट एकदम फ्लैट लैंड करेगी एयर में, ग्राउंड पे एकदम फ्लैट लैंड करेगी. जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कि 9th फ्लोर से कैट गिरी और उसका सिर्फ एक दांत टूटा. आपको पता है ना कैट कहां होती है? कैट जो घरों में रोशनदान बना होता है ना वेंटिलेटर, वहां जाके सो जाती है. और इतनी गहरी जाती है उसको, जब वो जैसे टर्न करके गिर जाती है. पर जब वो गिरती है एयर में वो अपने लिम्स को ऐसे दूर दूर कर लेती है ताकि रोटेट ना हो, क्योंकि अगर उसकी बॉडी एयर में रोटेट हो गई और हेड समहाउ अर्थ में लग गया पहले वो मर जाएगी. तो इसलिए वो पैरों में तो बहुत स्प्रिंग एक्शन है तो वो अपने लिम्स अपार्ट कर देती है. गुड आइडिया ना? तो व्हाट इज आई दिस एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट्स इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हमने कल किया था काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बट ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? ये है हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. देयर आर थ्री टाइप ऑफ मोशन. वन इज flight, second is rotational, third is mixed. What is the kinetic energy of flight motion? Half mv square. What is the kinetic energy of pure rotational motion? Half I omega square. And mix mein ho jayega half mv square plus good. Ab jab aap scooter pe ja rahe ho to kaun sa motion hai uske andar? Mix. तो उस टाइम एनर्जी को हाफ एमवी स्क्वायर मत मानो. उस टाइम एनर्जी कितनी है? हाफ एमवी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. एंड दीज आर द एमआई ऑफ सम बॉडीज. यूनिफॉर्म रॉड की कितनी है? 1/12 एमएल स्क्वायर. ये हमें याद होनी चाहिए. यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बॉडी की m/12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रिंग की एमआर स्क्वायर. पर रिंग की कहां से एमआर स्क्वायर है? Perpendicular to the ring. और disc की perpendicular to the disc. Then uniform ring along diameter mr square by 2. Uniform disc along diameter mr square by 4. And then cylinder और solid cylinder की कितनी है? Sorry. Hollow sphere की कितनी है? 2/3 mr square. और solid की कितनी है? 2/5 mr square. Solid कोई भी body होगी उसको easy है rotate करना क्योंकि mass center के नजदीक है. Then हमने किया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. आई ए बी इज इक्वल टू आई के एल प्लस एम एक्स स्क्वायर.
IAB is equal to IKL plus MX square. But remember, KL कहाँ है? ये center of mass से पास हो रहा है. और IAB कहीं पर उसके parallel. फिर हमने एक question किया था, MI find की थी end के ऊपर. तो वो कितना हो जाएगा? ICM plus MX square. H कितना है? L by 2 है. Paul की answer आ गया. Then sphere का tangent के लिए, तो वही same ICM plus MX square. ICM क्या है? 2 by 5 MR square. MH square. H कितना है? R. R है. Yes. MR square. तो कितना आ गया? 7 by 5 MR square आ गया answer. Then theorem of perpendicular axis. ये सिर्फ applicable है 2D body के लिए. 3D के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. पर जिस जगह पे बॉडी पड़ी हुई है, जिस प्लेन में पड़ी हुई है, उन दोनों का सम होगा. मींस अब ये कहां पर पड़ी हुई है? एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है. आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड हो जाएगा. देन फाइंड एम आई ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए मास एम अबाउट डायगनल. अब हमें अगर इसका फाइंड करना था अबाउट डायगनल, find mi of a square of side a mass m about diagonal. तो हमने क्या किया? पहले हमने find कर लिया perpendicular to it, और उसका तो formula में पता ही था, m by 12 l square plus b square. अब length और width तो a ही है, तो ma square by 6 आ गया. Then theorem of particular axis लगा दी. जैसे ये हमारे पास x x dash है, और ये आपके पास वाई वाई डैश है, और ये आपके पास जेड जेड डैश हो गया. तो हमने बड़े आराम से कह सकते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड. थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. बट व्हाट इज योर आई एक्स? क्योंकि एक्स एक्स और वाई वाई तो सेम ही है, चाहे आप उसको एसी डायगोनल पे घुमाओ या बीडी पे घुमाओ, बराबर ही है. इट्स इक्वल. कितना हो गया? एम ए स्क्वायर बाई 6. तो कितना आ गया आपके पास? एम ए स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा. राइट, ये हमने कल कर लिया था. अब आज का यहां से स्टार्ट होता है आपका. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 केजी एंड 2 केजी आर एट द एंड्स ऑफ 1 मीटर रोड. मासलेस रोड है. Find MI of system about center. क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? टू पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मास कितना कितना है? एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है, और आपके पास डिस्टेंस कितना है? मतलब ये कितना हो गया? 1/2. और ये कितना हो गया? क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? M1 कितना है? 2 kg. R कितना है? 1/2 होल स्क्वायर. जस्ट दूर कितना आंसर होएगा? ये 1 kg 1/2 स्क्वायर. कर सकते हैं क्वेश्चन को. M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर. इतना ही करना था बस. सिर्फ इसके लिए आप बहुत सोच रहे हो. I of system कितना हो जाएगा? देखो, 1 into SL square plus 2 into LT square. यही distance है ना? 1 SL कितना है? 1/2 square. 2 LT कितना है? 1/2 square. 1 into 1/2 square, 2 into 1/2 square. Solve किया, फिर answer क्या आ गया? Clear एकदम ये बात? Then क्वेश्चन को सोचो कि कैसे करना है. व्हाट विल बी एमआई ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस टू सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल. सेंट्रोइड कहां है इसका? ये अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं 1 इनटू ये आर कर दूंगा. मीन्स मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस पता होना चाहिए. आंसर तो आ गया.
यस अच्छा ये तीन डिस्टेंस पता चल गए तो मेरा आंसर तो आ गया यस और नो। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको बेसिक टेंथ की नॉलेज चाहिए सिर्फ यस। देखो जरा क्वेश्चन आने से पहले ही आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमें मालूम है कि डायगोनल मीडियन सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इज द रेशियो 2n ratio 1। तो पहले मैंने AL निकाल दिया क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो परपेंडिकुलर एंड मीडियन सेम होंगे। तो व्हाट इज AL स्क्वायर इट्स इस ट्रायंगल के अंदर क्या आप AL नहीं निकाल सकते? तो AL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिया आपने सॉल्व किया 3/4 आ गया मेरे पास। देन AL कितना हो गया अंडर रूट किया रूट 3/2 हो गया एंड मीडियन डिवाइड सॉरी सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1। अगर ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए तो AG कितना हो जाएगा 2/3 AL। ये समझ आ गया स्टेप लेवल आपको? तो AG इज 2/3 AL सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1। आई रिपीट सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1। जैसे अगर ये मीडियन है ये सेंट्रोइड है तो ये रेशियो हो जाएगी 2 और ये रेशियो हो जाएगी 1। तो अब एजी कितना हो जाएगा AL का 2/3 हो जाएगा। तो एजी इज 2/3 AL 2/3 व्हाट इज AL? AL तो 3/2 है पुट कर दिया आपने AL की वैल्यू तो आपके पास कुछ 2 कट गया तो ये कितना आ गया 1/√3 आ गया। तो AG आ गया 1/√3 ऐसे ही BG भी 1/√3 आ गया और GC भी 1/√3 आ गया। देन IG अब देखो मैंने इसी का ना एक अलग से डायग्राम शो करने की कोशिश की है यहाँ पर। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ABC। अब ये ट्रायंगल अर्थ पे लेटा हुआ है और ये रहा आपका AG और ये जो दिख रहा है आपको ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये जो भी मैंने रेड शो किया है। इस पॉइंट के अराउंड घूमना है इसने। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये ऐसे घूमने वाला है ट्रायंगल को। तो मुझे क्या करना है दिस मास इंटू ए जी स्क्वायर प्लस दिस मास इंटू बी जी स्क्वायर प्लस सी मास इंटू सी जी स्क्वायर वही हमने किया। 1 into AG square क्योंकि A पे 1 पड़ा हुआ है 2 into BG square plus 3 into CG square। अब AG BG और CG तो बराबर थे तो उसकी वैल्यू कितनी है वो है 1/√3। तो 1/√3 square को बाहर ले लिया अंदर मास आ गया 1 + 2 + 3 तो आपके पास कितना आ गया आंसर 6/√3 square तो 6/3 means 2 kg meter square। I repeat once again, it was a good question. What will be MI of a system about an axis through centroid and perpendicular to the plane of the triangle? अब ये रहा centroid, जो axis of rotation है वो speed के आर पार है यहां से अंदर जा रही है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था 1 into R1 प्लस 2 into R2 प्लस 3 into R3। बट क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसलिए R1, R2, R3 बराबर यूनिट है। हमने पहले AL निकाल लिया उसको 2/3 कर लिया तो सारे डिस्टेंस आ गए और फिर हमने उसके बाद सॉल्व कर दिया। अब क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं? तो पहले पढ़ते हैं ध्यान से सोचते हैं इसके बारे कि क्या हम इसको कर सकते हैं। 4 point mass मन में विजुलाइज करो 4 point mass each of value n are placed at the corner of a square ABCD of side L. The MI of system about an axis passing through BD. क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर है
और उसके ऊपर आपके पास ये मासिक पड़े हुए हैं। एबीसीडी आपको क्या फाइंड करना है, एम आई थ्रू पीडी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे अगर सिर्फ अब जो एक्सिस है वो तो जैसे ये हमारे पास है इसको ऐसे घूम लेना, ये रहा बीडी, ऐसे घुमाना है। अब अगर घुमाना ही यहां पर है, ये बी है ये डी है, तो बी और डी के मास की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बी और डी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही आ गए, मास बी एंड मास डी वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही आ गए, इसलिए उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। मुझे तो सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि ये डिस्टेंस मुझे अगर मालूम हो जाए और ये डिस्टेंस मुझे पता हो, बस तो बात बन गई। मीन्स मास ऑफ सी इंटू दिस आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ ए इंटू दिस आर स्क्वायर। समझा रही क्या बोल रहा हूं? यस, तो उसको देख लेते हैं अगर आपको समझाइए वाली बात को। यहां पर हमने स्क्वायर को जमीन पे दिखा दिया और यहां पर मैंने क्यूबिक दिखा दिया। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एसी, तो वो तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं एसी को। तो अच्छा, इसमें हमने इसको थोड़ा ऑर्डर से कर दिया। इन ट्रायंगल एओबी ले लो, ये ट्रायंगल ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसको हमने एक्स मान लिया, तो क्या हो गया हमारे पास यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर बाई टू, एक्स आ गया एल बाई रूट टू। देन आई कितना हो गया एम ए इंटू एओ स्क्वायर प्लस एम बी एम बी इंटू ओसी स्क्वायर। अच्छा, एम पर जीरो ही आएगा। A M M A into A O square, right? अब B का कितना डिस्टेंस है एक्सिस के ऊपर, जीरो है, प्लस M C into O C square। और D का कितना डिस्टेंस है, जीरो है। सब वैल्यू पुट किया आपने, M into L by root 2 whole square plus M into L by root 2 whole square, तो M L square by 2 plus M L square by 2 आंसर आ गया आपके पास एनएल स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। क्योंकि देखो जिस एक्सिस के ऊपर आपने घुमाना है, जिस एक्सिस के ऊपर घुमाना है तो मास उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है ना, तो उस मास का एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मास यहां पर है तो डिस्टेंस इतना है, बट अगर मास ऊपर ही पड़ा हुआ है तो जीरो हो जाएगा। हम यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो आप इसको इस एक्सिस के ऊपर घुमा रहे हो, जब मैंने ड्रॉ की प्लान, तो डी का मास ऊपर ही पड़ा हुआ है इसके ऊपर, डी का मास इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए डिस्टेंस जीरो हो गया ना उसका उसके ऊपर। यस, अब यही सेम अगला क्वेश्चन सेम है। अब अगर यही सेम क्वेश्चन हम देखें, हम इफ इन द अबव क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी डी। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, बट अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया है। एक्सिस कहां चला गया अब आपके पास, ये रहा है, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, ये
दिख रहा है आपको? अब मुझे ये बताओ कि ए मास का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? गुड। बी मास का डिस्टेंस कितना है? ये निकाला होगा आपने पहले ही, एल बाई रूट टू। बी का कितना है? एल बाई रूट टू। और सी का कितना है? एल बाई रूट टू इंटू टू। एल बाई रूट टू इंटू टू, क्योंकि आपके पास AO, OB, OD, OC ये क्या है? L by root 2। तो C का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? L by root 2 into 2। बस आगे आंसर MA into 0 square plus MB into BM square plus MD into LD square plus MC into AC square, सब वैल्यू पुट किया आपके पास आता है। क्लियर है? इट इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन तो ऐसे तो क्वेश्चन में बहुत सारे किए हुए हैं सेंटर ऑफ मास के अंदर, तो अब वैसा ही क्वेश्चन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर रखें। अ क्वाइन ऑफ रेडियस r by 4 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, फाइंड mi अबाउट द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क। आपको दिख ही रहा होगा 3D फिगर बना हुआ है हमारे पास। क्वाइन का रेडियस कितना है? r by 2। डिस्क का कितना है? r। तो मास प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिस्क है। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ऑफ डिस्क कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसका मास हमने सपोज कर लिया m है। अब एरिया ऑफ क्वाइन क्या है? पाई r by 4 होल स्क्वायर, पाई r स्क्वायर by 16। तो इसका मास कितना हो जाएगा? m by 16। क्यों हुआ m by 16? क्योंकि एरिया उसका 116 है डिस्क से, तो m by 16 हो गया। अब क्वेश्चन, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। व्हाट इज एरिया ऑफ द डिस्क? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ कॉइन? पाई आर स्क्वायर बाय 16। अब मास कितना है डिस्क का? m है ना, तो मास क्वाइन का कितना हो जाएगा? m by 16। क्यों हुआ m by 16? क्योंकि इसका एरिया 116 है। अगर आप देखो पाई आर स्क्वायर वाले का मास कितना है m, तो पाई आर स्क्वायर बाई 16 का मास कितना होगा? इतनी तो बात कर रहे हैं सिर्फ, नथिंग स्पेशल। तो m by 16 हो गया। अब देखो जरा mi ऑफ डिस्क अबाउट ab, पहले हम डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ab के ऊपर, तो वो कितनी हो जाएगी? m स्क्वायर बाय 2। फिर हमने क्वाइन निकालेंगे mi, फार्मूला तो वही रहेगा m r स्क्वायर बाय 2। तो आप फार्मूला चेक करो जरा, आया हुआ कि नहीं आया हुआ? पॉइंट थोड़ी है, ये तो डिस्क है। हाँ डिस्क पर ही लगेगा। अब मास ऑफ पॉइंट कितना है? m by 16। ये हो गया r by 4। यहां पर मुझे लगता है 1 by 2 आया है, यहाँ पर 1 by 2 आएगा। और आएगा ना 1 by 2, m r square by 2 है ना, तो इसका मास m by 16 है, r आपके पास r by 4 है, तो साथ में 1 by 2 आना चाहिए। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, तो कितना हो जाएगा? into 1 by 2। करेक्ट कर लो आप अपने साथ में नोट्स के अंदर। तो कितना आ जाएगा? m r square by 500 12। Then moment of inertia of the system। अब देखो जरा, अब यहां से ना बहुत स्पेशल चीज शुरू होती है। अब सिर्फ मैं आपको वही समझाने लगाऊ, आपको फाइंड करना था
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू ए बी। सिर्फ आप स्क्रीन पे फोकस करो, कुछ नोट नहीं करो, थ्रू ए बी फाइंड करना है। डिस्क का तो थ्रू ए बी फाइंड कर लिया ना आपने, पर क्वाइन का कहां फाइंड किया हुआ है आपने? थ्रू एल एम। अब इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा एल एम को ए बी के ऊपर। आपको एक एक्सिस को इधर शिफ्ट करना है, तो कौन सी थ्योरम लगेगी? थ्योरम ऑफ पैरेलल लगेगी ना। आपको एल एम को शिफ्ट करना है ए बी पे, तो उसके लिए आपको लगेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब टोटल एम आई कितना होगा? सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करो, आई ए बी ऑफ डिस्क लगा दिया आपने, एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आई ऑफ क्वाइन अबाउट ए बी जो कि आपने फाइंड किया हुआ था अबाउट एल एम, तो क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय यहाँ पर इंटू टू आएगा एक प्रश्न के बाद, प्लस एम एच स्क्वायर। ये क्या है? एम एच स्क्वायर। ये चीज कितनी है? एम एच स्क्वायर एम बाई 60, एच कितना है? आर बाई टू होल स्क्वायर, एम एच स्क्वायर। और फिर आप सॉल्व करोगे आपके आंसर आएगा। इस बात को समझो आप, ये समझाइए भी बात ये वाली। यस ओके, अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक डंबल है और आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था थ्रू ए बी। व्हाट इज द, दीज आर द सॉलिड स्फीयर, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास, वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज, इट्स 2/5, इट्स एम ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, क्योंकि इसका मास m है और रेडियस a है। अब आपको हमें निकालना है एम आई थ्रू ए बी, आई ए बी कितना हो जाएगा? हो जाएगा, अगर मैं इसको से एल एम ले लूं और इसको एन पी ले लूं, एम आई ऑफ सफियर across LM will be shifted to AB plus MI of sphere across MP shifted to AB, same value है, 3 into 2 ही होने वाला है आंसर में। तो मैंने क्या किया, अब ये हमारे पास हो गया अक्रॉस एल एम 2/5 एम ए स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, प्लस एम एच स्क्वायर एम बी स्क्वायर इनटू 2। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। सर रिपीट करना। हाँ देखो जरा, पहले हमें across LM find किया हमने, तो 2/5 m square आ गया, then आपको shift करना है इसको across AB, तो theorem of parallel axis लगेगी, तो उसके लिए हमने क्या किया, plus m h square कर दिया, तो 2/5 m square plus m h square, h कितना है यहाँ पर, b है, तो plus m b square आ गया, into 2 क्यों किया है, क्योंकि आपने दो double को shift करना था, तो इंटू टू हो गया, सेम सिस्टम है सारा का सारा, इसलिए इंटू टू हो गया। आई होप कि इट्स क्लियर, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है। एंड आई होप कि यू एंजॉयड द लेक्चर। नोट्स आपको आप अपनी अपडेट रखें, तो बाकी समझाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस yes.